तो आज है लोकसभा अध्यक्ष, तुम लोग का शुरू करते हैं। ठीक है, देखो स्पीकर का पद जो है, तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो पोस्ट है उसको हम लोग स्पीकर का पद भी बोलते हैं। स्पीकर का जो पद है वो 1919 के एक्ट के द्वारा जो है सृजित जो है किया गया था, सृजित किया गया था। ठीक है, 1919 के जो है जो एक्ट आया था, उस एक्ट में जो है पहली बार जो है अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है, पहली बार जो है स्पीकर का पद का जो है क्रिएशन किया गया था। ठीक है, और उस समय जो है बोला जाता है कि 1919 के एक्ट के आधार पर 1921 में पहली बार जो है फ्रेडरिक व्हाइट जो है 1921 में पहला जो है प्रथम स्पीकर जो है फ्रेडरिक व्हाइट जो है प्रथम जो है स्पीकर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, पहली बार पद बना 1919 में, एक्ट में आया, और उस एक्ट के तहत जो 1921 में जो है फ्रेडरिक व्हाइट जो है प्रथम स्पीकर जो है बन के निकले थे। ये पहली बार था जब स्पीकर का पद का जो है क्रिएशन किया गया था। ठीक है, और प्रथम भारतीय जो है 1925 में, अगर देखेंगे 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल भाई पटेल जो है प्रथम भारतीय स्पीकर थे। विट्ठल भाई पटेल जो है प्रथम जो है भारतीय स्पीकर थे। ठीक है, क्लियर? क्या बोले? भारतीय, ये जो है प्रथम भारतीय स्पीकर थे। ये तो फ्रेडरिक जो थे अंग्रेज थे, है ना, तो विदेशी स्पीकर थे, लेकिन भारतीय स्पीकर पहली बार अगर कोई चुनाए थे 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल को जो है प्रथम स्पीकर जो है बनाया गया था। ठीक है, और आज़ादी के बाद जो है 1900 मतलब स्वतंत्रता के बाद, ये क्वेश्चन था ना, स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम जो है कौन स्पीकर थे? जी वी मालवंकर, ये क्वेश्चन पूछा था इस बार कि भाई जो है आज़ादी के बाद प्रथम जो है स्पीकर कौन थे। ठीक है, तो जी वी मालवंकर जो है प्रथम जो है स्पीकर थे। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है जी वी मालवंकर, बस ये फैक्ट खाली याद रखना है बस। अगर जी वी मालवंकर अगर पूछ दिया है तो हो सकता है कि इधर वाले भी पूछ दे कि कब जो है स्पीकर का पोस्ट का जो है क्रिएशन किया गया था, तो किस या किस एक्ट के द्वारा जो है स्पीकर का या लोकसभा अध्यक्ष का जो है पद का जो है क्रिएशन किया गया था। तो 1919 एक्ट आ जाएगा, पहली बार कौन आया था? तो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 में, प्रथम भारतीय तो 1925, और स्वतंत्रता के बाद जो है जी वी मालवंकर। ठीक है, हो गया। चलो, अब कोई स्पीकर का जो है
चुनाव किससे होता है? हम लोग पहले ही बोले हैं कि जब आम चुनाव हो जाता है तो आम चुनाव के बाद जो है संसद का जो है सत्र शुरू होता है, ठीक है। संसद का सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होने के बाद जो है सांसदों को जो है शपथ जो है दिलाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो है सांसदों के द्वारा जो है द्वारा स्पीकर का या लोकसभा अध्यक्ष का जो है चयन किया जाता है। ठीक है, लोकसभा जो है अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब चयन जो है या तो जो है सर्वसम्मति से भी हो जाता है, ठीक है, सर्वसम्मति से भी हो जाता है चयन, ठीक है, या तो फिर जो है निर्वाचन होता है, ठीक है। निर्वाचन मतलब चुनाव होता है, चुनाव में निर्वाचन या निर्वाचन होता है, ठीक है। अब इसमें जो है संसद के जो सदस्य होते हैं वो जो है बहुमत के आधार पर लोकसभा स्पीकर का चयन करते हैं, ठीक है। इस बार तो आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, लोकसभा स्पीकर का चयन जो है किस प्रकार से हुआ। तो इस बार निर्वाचन करवाया गया, स्पेशली दो कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, निर्वाचन होगा, और नहीं तो सर्वसम्मति से जो है चुना जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट नहीं है, एक ही कैंडिडेट कोई खड़ा हुआ और सभी लोग उस कैंडिडेट पर सहमत हो गए, ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, जब सभी लोग सहमत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो वो जो है सर्वसम्मति से चुना गया। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया अगला अपोजिशन से तो फिर क्या होगा कि चुनाव होगा या मत का विभाजन होगा, ठीक है। तो मत का विभाजन होगा तो सिंपल सी बात है कि मत के विभाजन में जिसकी तरफ ज़्यादा मत पड़ेगा वो जो है चुना जाएगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि N+2+1 वाला, वैसा नहीं है, जिसकी तरफ ज़्यादा मत होगा वो चुना जाएगा, ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा। तो यही जो है चुनाव का जो है यही प्रोसेस है। और जो है उन्हीं जो सांसद होते हैं उन्हीं सांसदों में से कोई एक व्यक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष बनता है, ठीक है। सांसदों में से कोई एक व्यक्ति स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। हो गए, तो चयन समझ में आ गया। कौन सा, ये वाला? अब नेक्स्ट है स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, स्पीकर का
कार्यकाल। स्पीकर का कार्यकाल जो होता है, तो बोला जाता है कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी स्पीकर का पद जो है रिक्त नहीं होता है। ठीक है, बोला जाता है कि लोकसभा विघटन होने के बाद भी स्पीकर का पद रिक्त नहीं होता है, रिक्त नहीं होता है। ठीक है, रिक्त नहीं होता। बल्कि वह अगले लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं, एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, समझ में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र तो राष्ट्रपति को देता है। तो एक दूसरे को जो है अपना रेजिग्नेशन जो है दे दिया जाता है। उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को जो है एक्सचेंज करते रहते हैं ना, एक दूसरे को जो है अपना जो है त्याग पत्र देते रहते हैं, मन हुआ तो उनको दे दिए। उपाध्यक्ष का भी चयन जो है इसी तरीके से होता है। उपाध्यक्ष का भी देखेंगे इसमें से भी चयन जो है इसी तरीके से होता है। उन्हीं सांसदों में से कोई एक व्यक्ति जो है क्या बनता है, उपाध्यक्ष बनता है। अब उपाध्यक्ष में भी जो वही स्थिति है, या तो सर्वसम्मति से बन जाएगा या तो फिर जो है इनका भी निर्वाचन होगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट अगर विपक्ष भी दे दिया, ऑपोजिशन भी अगर कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो फिर चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। फिर निर्वाचन होगा तो सिंपल सी बात है कि जिसके तरफ ज़्यादा वोट पड़ेगा वो जो है उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि परंपरा रहा कि जो है उपाध्यक्ष का जो पोस्ट होता है, जैसे सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, सदन का जो जिसकी सरकार होती है, जो सदन में सरकार वाली जो पार्टी होती है, उसी पार्टी में से कोई एक व्यक्ति जो है सरकार के तरफ से ही कोई व्यक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष बनता है, वो सर्वसम्मति से बनता है। और उपाध्यक्ष जो है परंपरा के अनुसार क्या था कि उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी पार्टी के सदस्यों को दे दिया जाता था। ठीक है, तभी इसलिए झगड़ा तो हो रहा है अभी पूरा कि जो है अभी चूंकि कैंडिडेट क्यों खड़ा किया गया, बोला गया कि भाई जो है कांग्रेस बोली कि जो है
उपाध्यक्ष का डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमको दे दीजिए, है ना। तो जो स्पीकर का पोस्ट है उस पोस्ट पे हम लोग जो है सहमति दे देंगे। तो बीजेपी बोले कि नहीं, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हम आपको नहीं देंगे, सहमति नहीं दिया गया कि भाई आपको देंगे हम, ठीक है। जब नहीं सहमति बना तो फिर उसने क्या किया कि जो है अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया प्रेशर बनाने के लिए। जीता नहीं उसका कैंडिडेट, लेकिन खड़ा कर दिया गया, तो फिर इसके कारण चुनाव हुआ, चयन हुआ। और जो उसमें यस नो बोल के पहले किया जाता है, अगर यस का भारी होता है आवाज़ तो वहीं पे हो जाता है, नहीं तो अगर मत विभाजन का बात किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि नहीं वोटिंग करवाइए, तो वोटिंग भी करवाया जाता है, ठीक है। तो वोटिंग फिर होता है, वो मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे इधर आधा है, इधर मान लीजिए ओपोजिशन है, इधर जो है सरकार की तरफ का है, तब बोला गया कि मान लीजिए कैंडिडेट ए है, तो बोला कैंडिडेट ए की तरफ से जो है कितने लोग उसका समर्थन करते हैं, तो उधर लोग बोला यस, ठीक है। इधर लोग बोला नो, बी की तरफ से इधर बोला नो, तो ज़्यादा संख्या लगा स्पीकर को। जो प्रोटेम स्पीकर बोला कि नहीं ज़्यादा संख्या यस में है, लेकिन अगर ये बोलेगा कि नहीं सर मत का विभाजन कीजिए, तो फिर मत का विभाजन किया जा सकता है, है ना। जब बोलेंगे तब विपक्ष वाला या पक्ष वाला, मान लीजिए विपक्ष की तरफ ज़्यादा होता तो ये बोलता कि नहीं मत का विभाजन कीजिए, तब फिर क्या होता, वोटिंग होता। लेकिन बिना मत का विभाजन बोले वोटिंग नहीं किया जाता। वही एक सवाल पूछा गया, कि भाई जो है वोटिंग, एक सदस्य बोला कि यस यस में तो हो गया उस समय, तो एक बोला कि सर वोटिंग नहीं हुआ। बोला वोटिंग तो मांगा ही नहीं गया, वोटिंग अगर मांगा जाएगा तब ना वोटिंग करवाएंगे, तो मांगा नहीं गया तो वोटिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो चुन लिया गया। तो वोटिंग अगर मांगा जाता है तब वोटिंग करवाया जाता है फ्लोर पे, और वोटिंग जो है गुप्त होता है, कौन किसको दे रहा है पता नहीं चलता है, ठीक है, इसलिए वोटिंग नहीं करवाया गया। तो इसी तरह उपाध्यक्ष का भी जो है चयन होता है जैसे इनका होता है। क्या बोले, अभी तो ओम बिरला को चुना गया है, अभी नहीं, उपाध्यक्ष का पोस्ट अभी खाली है, अभी चयन नहीं हुआ, अभी ये खाली है। अब देखो अगला जो सेक्शन होगा उसमें हो सकता है कि जो है हो, पिछले बार तो पूरा खाली है, कोई जरूरी नहीं कि भरेगा ही, अध्यक्ष पद तो रहेगा, लेकिन उपाध्यक्ष पद जो है अगर देखोगे तुम तो 2019 से 24 तक जो है ये रिक्त पड़ा हुआ है, जिसमें किसी का चयन ही नहीं हुआ है, समझ में, किसी का चयन नहीं हुआ, मतलब सरकार चुनी ही नहीं किसी को, खाली पड़ा हुआ था। लेकिन ये मिलना चाहिए था, ये विपक्ष को मिलता है परंपरा के अनुसार, कोई नियम नहीं है संविधान में, कोई नियम नहीं है कि मिलना ही है, ये परंपरा के अनुसार था कि लोग सहमति से दे देते थे, ठीक है। चलो उसके बाद है स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो पहला है कि हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा, मतलब जो है हटाने के प्रस्ताव, हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा चौदह दिन के नोटिस के बाद चर्चा कर सकती हैं, नोटिस के बाद चर्चा कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा है जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा होती है अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होता है,
पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। वह चर्चा में भाग ले सकता है। वह चर्चा में भाग ले सकता है। ठीक है, और सामान्य मत दे सकता है। बहुमत के आधार पर स्पीकर को हटाया जाता है। ठीक है, बहुमत के आधार पर जो है स्पीकर को हटाया जाता है। तो सिंपल सा है कि स्पीकर को हटाने के लिए क्या है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, है ना। हटाने का प्रस्ताव कब देना पड़ेगा, तो 14 दिन जो है पूर्व, मतलब हटाने का 14 दिन पहले नोटिस देंगे। और जिस दिन प्रस्ताव रखा जाएगा सदन में, ठीक है, तो प्रस्ताव जो है नोटिस भेज दिए, हम दे दिए नोटिस, और नोटिस देने के 14 दिन के बाद जो है उस पर चर्चा होगा। तो 14 दिन के बाद नोटिस देने के बाद क्या होगा, चर्चा होगा। ठीक है, अब चर्चा होगा तो जिस दिन चर्चा होगा, क्यों हटाना चाहते हैं, तो दोनों अलग, दोनों तरफ से अपोजिशन हो या जो है सत्ता पक्ष के लोग हो, दोनों जो है उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भाई जो स्पीकर का भूमिका है, चाहे स्पीकर का जो भी रवैया है, व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कैसा है, ख़राब है या क्या है, क्यों उसको लेके आए हैं। ठीक है, उस पर आरोप लगाया जाएगा। हटाने के लिए तो कोई आरोप चाहिए ना, भाई स्पीकर जो है भेदभाव कर रहे हैं। अभी जैसे ऐसे भी जो है बहुत आरोप लगाया जाता है स्पीकर के ऊपर। एक सोशल मीडिया में चलता है कि जो है सत्ता पक्ष बोलता है तो हंसते रहते हैं और विपक्ष बोलता है तो गुस्साए रहते हैं। ठीक है, ये भी आरोप लगते रहता है। तो जो है इसमें है, नोटिस देने के बाद जो है चर्चा किया जाता है। ठीक है, जिस दिन चर्चा होगा उस दिन जो है वो पीठासीन मतलब चेयर पे नहीं बैठेंगे। जिस दिन चर्चा होता है उस दिन वो अध्यक्ष के रूप में नहीं बैठेंगे, बल्कि एक सांसद के रूप में जो है वहाँ पे बैठेंगे। चर्चा में भाग ले सकते हैं, सामान्य मत देंगे, क्योंकि जो है लोकसभा अध्यक्ष अगर है तो अध्यक्ष जो है निर्णायक मत भी देता है। निर्णायक मतलब दोनों तरफ से टाई अप हो गया, तब निर्णायक मत वो अपना दे देता है, लेकिन यहाँ पे सामान्य मत देंगे एक सांसद के रूप में। ठीक है, और जो है बहुमत के आधार पर अगर बहुमत उनके खिलाफ गया तो जो है उनको पद पे हटाया जा सकता है। ठीक है, ये हटाने का प्रक्रिया है। ठीक है, चलो अब लिखो स्पीकर की विशिष्ट शक्तियाँ। स्पीकर की विशिष्ट शक्तियाँ, नहीं चेयर पर नहीं बैठेगा, एक सांसद ग्रुप में बैठेगा। अध्यक्षता दूसरा कोई करेगा, मान लो उपाध्यक्ष है तो वो करेगा, हाँ, या फिर उसके पैनल में कोई है तो वो करेगा। पहला पॉइंट लिखो, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, लोकसभा के नियमों को लागू करवाता है। लोकसभा के नियमों को लागू करवाता है। तीसरा, लोकसभा के सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार करता है। लोकसभा के सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार करता है।
नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों को निलंबित या बर्खास्त कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों को निलंबित या बर्खास्त कर सकता है। यदि लोकसभा में बराबर मत हो तो यदि लोकसभा में बराबर मत मतलब इक्वल हो जाए बराबर मत हो तो यह निर्णायक मत दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, दल बदल के मामलों पर निर्णय देता है। और नेक्स्ट पॉइंट, विदेशों में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता है। ठीक है, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष का विशिष्ट काम हो गया। देखो, मोटा मोटी लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है, सिंपल हाथ की उंगली पे गिन लो। पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष है तो सिंपल से बात है, लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। जब लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा का जो नियम होगा, अध्यक्षता जब करेगा तो जो नियम है लोकसभा का
उस नियमों को क्या करेगा, लागू करवाएगा। अगर एग्जांपल फॉर ले लो कि मान लीजिए आप डीसी हैं, तो जो ज़िले में नियम है वो नियम को लागू करवाएगा ना। आपका काम क्या है कि नियमों के हिसाब से सब कुछ चले, यही होगा ना। डीसी अगर मान लीजिए आप डीसी बन जाते हैं तो आपका काम क्या होगा कि जो रूल बुक है, जो नियम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो बना हुआ है इस ज़िले के लिए, उसी को आपको करवाना है। कुछ आसमान से तो लेके नहीं आना है, या जो खेती करने के लिए जो है खेत का जुताई तो नहीं करना है। सिंपल सा जो बना हुआ नियम है उसी नियमों के तहत जो है आपको कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर जो होंगे, जो भी लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे उस चेयर पर जो भी व्यक्ति बैठे हैं, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं तो ठीक है, उनकी जगह अगर उपाध्यक्ष बैठा हुआ है, नहीं तो कोई भी बैठा हुआ है उस पद पर, तो उसका काम क्या है, नियम के तहत जो है कार्रवाई करवाना। जब संसद का सत्र चलता है तो उसी समय लोकसभा अध्यक्ष का महत्व आता है ना। सत्र नहीं चलेगा, लोकसभा अध्यक्ष से क्या काम है, कोई काम तो है नहीं। जब सत्र चलेगा तो सत्र को जो है संचालित करते हैं। अब देखिएगा कि जो है बाएं तरफ उनका कौन बैठता है, विपक्ष, बाएं तरफ विपक्ष और दाएं तरफ जो है सत्ता पक्ष वाला है ना। तो बाएं तरफ विपक्ष बैठता है इसलिए बाएं हाथ उनको ज़्यादा चलता है ना, बैठाते रहते हैं। क्या विपक्ष तो काम ही है उसका, विपक्ष का काम है ना कि किसी तरह सरकार के विभिन्न नीतियों को जो है क्या करें, विभिन्न नीतियों को जो है आलोचना करें, विभिन्न नीतियों को जो है ये करें। जैसा अभी खूब न्यूज़ में चल रहा है अभी जो है अग्निवीर, अग्निवीर का दो दिन से न्यूज़ में अग्निवीर चल रहा है, खूब चल रहा है कि अग्निवीर जो है अग्निवीर। अब अग्निवीर का एक ही चीज़ पर भी बात हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन पर बात हो रहा है कि कॉम्पनसेशन जो है अग्निवीर को जो है कितना मिलता है या क्या मिल रहा है। जैसे क्योंकि इस पर आलोचना किया गया था एलओपी के द्वारा, लोकसभा के जो ओपोजिशन ऑफ लीडर थे उन्होंने बोला कि भाई अग्निवीर स्कीम जो है आपने थोप दिया है, एक तरह से जो है यूज एंड थ्रो, मजदूर बना दिया है, मतलब यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए, है ना। चार साल आपने जो है इसका दिया है कार्यकाल, छः महीने ट्रेनिंग में क्या सीखेगा, जज्बा भी नहीं आएगा उसके अंदर में, है ना। प्लस एक ना तो उसको आप शहीद का दर्जा देते हैं, कोई एक सेना मरता है उस सेना मरने के बाद जो है उसको पूरे सम्मान के साथ जो है उसको जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन आप अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, उसको सम्मान भी नहीं मिल रहा उस हिसाब से, आप उसको पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, उसको मेडिकल्स भी नहीं दे रहे हैं, है ना, उसको मेडिकल्स भी नहीं दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना उसको ग्रेचुटी मिल रहा है, सिर्फ इकट्ठा जो है पैसा उसको जो है मिल रहा है। अब उस पैसा में भी कंपनसेशन पर ही बात हुआ कि कंपनसेशन भी आप नहीं दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जो है उठाया गया कंपनसेशन 1 करोड़ रुपया दिया गया, तो बोला कि 1 करोड़ रुपया जब मिला तो बोला गया कि कोई पंजाब का कोई शहीद हुआ था तो उसके ऊपर बोला गया कि भाई जो है उसको नहीं मिला पैसा। फिर बाद में मालूम चला कि उसको इंश्योरेंस का जो है 50 लाख और 48 लाख इधर मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये है, तो अब चर्चा में तो आ गया पूरा, अब लोग उस पर बहस कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा है कि ख़राब है, सेना का जो रिटायर है वो भी बहस कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो विपक्ष का काम ही आलोचना करना चीज़ों को, जो भी सरकार नीति होती है उसको आलोचना करते हैं, ठीक है। तो वो आलोचना कर रहे हैं, सरकार उसको जो है कंडेम करती है कि भाई हमारा योजना तो बहुत अच्छा है, ये झूठ बोला जा रहा है, ये गलत फैलाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का जो है यह होता है। तो एक तो है कि जो है जो संसद का जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो जो नियम होता है, जो कानून होता है, जो रूल बुक में दिया हुआ लोकसभा का, उस रूल बुक के हिसाब से वो क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। अब उस कार्रवाई में जो है कोई सदस्य उनकी बात को नहीं भी मान रहा है, व्यवहार गलत कर रहा है, और संसदीय जो है मर्यादाओं को लांघ रहा है या संसदीय कार्य कर रहा है, तो उनको वो निलंबित भी कर सकते हैं। उनको जो है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 सेशन से जो है उनको निलंबित कर दिया जाता है, समझ में, ठीक है, निलंबित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो निलंबित भी कर सकते हैं किसी को जो है उनके कार्य पर जो है, कार्य अगर किया है तो उस कार्य पर जो है इंक्वायरी भी बैठा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो भी रूल बुक होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। बहुत सारा जो कमेटीज होता है उन कमेटियों को भी जो है नियुक्ति करते हैं,
कई कई बहुत सारे कमेटी का अध्यक्षता भी करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो एक तरह से जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो है पार्लियामेंट्री जो है रूल बुक में उनको बहुत पावरफुल बनाया गया है, और जो है पार्लियामेंट में खासकर लोकसभा में वो बड़े जो है पद पे बैठे हुए रहते हैं। उसके अलावा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक पे अंतर। लोकसभा अध्यक्ष ही जो है, चूँकि धन विधेयक और वित्त विधेयक का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो अंतर नहीं होता है, नेचर जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन उस पर जो है प्रामाणिकता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है मुहर लगा देंगे तो वो धन विधेयक हो जाएगा, वो अंतिम होता है। समझ में? लोकसभा अध्यक्ष जो मुहर लगा देंगे, साइन कर देंगे कि ये धन विधेयक है, तो वो अंतिम होगा, राष्ट्रपति उसको धन विधेयक के रूप में ही परमिशन दे देंगे। और धन विधेयक से फ़ायदा है कि धन विधेयक अगर है तो राज्यसभा का बहुत पावर नहीं है, 14 दिन के अंदर में अगर नहीं भेजा राज्यसभा तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। समझ में? तो धन विधेयक बहुत पावरफुल होता है, सरकार को लोकसभा में पास करवाना होता है, राज्यसभा में नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो बताएंगे अभी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा भूमिका होता है दल बदल अधिनियम के तहत। अब किसी पार्टी का जो है दूसरे दल में चला गया तो ये मामला कहाँ पहुँचता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास या राज्यसभा का? तो राज्यसभा का अध्यक्ष के पास। तो वो मामला लोकसभा अध्यक्ष ही जो है निर्णय करते हैं कि भाई ये दल बदल के आधार पर इसको अयोग्य किया जा सकता है कि नहीं। आर्टिकल 105 के तहत जो है अयोग्यता का जो है आधार जो है दल बदल भी है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अयोग्यता पर जो है निर्णय करते हैं, ठीक है। तो इनका निर्णायक भूमिका होता है, देखते हैं कभी कभी भूमिका बहुत होता है, लोकसभा में तो कम नहीं, विधानसभा में बहुत नज़र आता है। विधानसभा में जो है उसकी अध्यक्षता जो है सदस्यता रद्द कर दिया जाता है, जैसे MP में हुआ था। MP में देखे थे उस समय कांग्रेस का सरकार था, उसमें से बहुत सारे MP जो है BJP में चले गए, उसमें से बहुत सारे 19 जो MLA को सदस्यता ही रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो दूसरे दल में जाकर मिल गए थे इसलिए, ठीक है। तो ये सब जो है उनकी, उसके अलावा संयुक्त तो बैठक जब होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, तो लोकसभा की अध्यक्षता भी जो है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा का ही नियम या रूल चलता है। क्लियर? यही लोकसभा अध्यक्ष का है कार्य, विशिष्ट कार्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग का है प्रोटेम स्पीकर, बता देते हैं क्योंकि इस बार चर्चा में रहा है, हो सकता है आपका JSSC वगैरह में आ जाए क्वेश्चन। ताकि प्रोटेम स्पीकर को बनाने को लेकर भी विवाद हुआ था, क्योंकि नियमता होता है कि प्रोटेम स्पीकर जो सबसे ज़्यादा बार सांसद चुन के आता है उसको बनाया जाता है, सबसे वरिष्ठ जो है जो सांसद होता है उसको बनाया जाता है। तो इस पर जो है इस पर विवाद हुआ, तो इसमें सबसे वरिष्ठ अभी संसद में जो है, अभी जो पार्लियामेंट में लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ है वो KSuresh करके हैं। KSuresh करके वो 8 बार से सांसद हैं केरला से, तो कांग्रेस के हैं, और शायद 7 बार जो है एक BJP जो अभी बने थे प्रोटेम स्पीकर वो 7 बार से सांसद या 6 बार से सांसद थे, तो उनको बना दिया गया। तो बोला गया कि भाई जो है सबसे वरिष्ठ है उसको बनाया जाता, आप उनको क्यों बना दिया गया? तो बोला गया कि भाई वो लगातार 6 बार जीते हैं, 7 बार जीते हैं, और KSuresh जो है बीच में हारे भी हैं, है ना। तो बोला गया कि KSuresh जो है बीच में हारे हैं और तब वो 8 बार जो है सांसद बने हैं, ठीक है। तो विपक्ष वाला कह रहे भाई तो हारे तो और 4 साल बढ़ाई दिए ना, तो आप तो बड़े हो गए, हूँ सीनियर तो हो ही गए, लेकिन बोला कि नहीं लगातार नहीं है इसलिए नहीं दिया गया। तो विवाद हुआ था, तो हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन आपका बन जाए झारखंड में, है ना। झारखंड में सरकार भी आपका जो है अभी मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, नहीं कल शपथ हुआ था ना, किसी को भरोसा नहीं था शपथ होगा। 3-4 महीने के लिए जो है मेरे अनुसार था ना कि 3-4 महीने के लिए नहीं बनना चाहिए था। हाँ मतलब था कि मतलब अब 3-4 महीने के लिए क्या मुख्यमंत्री बनना था, 3-4 महीने अपना चुनाव प्रचार, एक तो सिंपैथी तो था ही, चुनाव प्रचार में जाते हैं तो हम 3-4 महीने रगड़ के जो है प्रचार करते हैं, फिर नया सरकार में पार्टी मोहम्मत आता, नया सरकार में मुख्यमंत्री बन जाते हैं ना। अभी नेगेटिव चला गया, अब नेगेटिव चला गया, अब सब हमला करने लगा, अब अलग है परिवारवादी पार्टी है, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हुआ, जेल में था तब तक परिवार, तब तक जो है बाहर थे, जैसे जेल से बाहर आए तो जो है
मुख्यमंत्री के लिए जो है तुरंत जो है चंपई सोरेन को साइड कर दिया गया और उनको जो है बैठा दिया गया। तो ये जो है कल से विपक्ष आलोचना करना स्टार्ट कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर आर्टिकल 99 में अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया है। किया गया है ठीक है। उसमें पहला पॉइंट लिखिए लोकसभा के आम चुनाव या आम चुनावों के बाद लोकसभा के आम चुनावों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा के आम चुनावों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। दूसरा पॉइंट सामान्यता वरिष्ठतम सदस्य को सामान्यतया वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके दो कार्य होते हैं। ए नंबर लिखे लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना बी नंबर अध्यक्ष का चुनाव करवाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब ये भी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अध्यक्ष के चुनावों के साथ ही प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष के चुनावों के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद
स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। और लास्ट लिखिए 18वीं लोकसभा में, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि महताब भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया नियुक्त किया गया था, ये था नहीं है कर दीजिएगा, नियुक्त किया गया है। अब जैसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ वैसे ऑटोमेटिक खत्म हो गया इनका काम, पोस्ट खत्म। ये बस इनका काम ही दो काम के लिए होता है, जैसे नया सांसद, जैसे इलेक्शन हुआ, भी इलेक्शन होने के बाद सब जीत गए, अब जीतने के बाद जो है, अब चूंकि वो सांसद तब तक नहीं होंगे जब तक उनको ओथ नहीं करवाया जाएगा, जब तक उनको शपथ नहीं दिलवाया जाएगा, बिना शपथ का जो है वो सांसद बनेगा नहीं, तो कौन दिलवाएगा शपथ। तो सिंपल से बात है कि चूंकि लोकसभा अध्यक्ष भी तो चुनाव लड़ रहे थे, तो संसद सदस्य तो उनका भी समाप्त हो गया था, तो उनको भी दिलवाना था शपथ। तो शपथ दिलवाने के लिए जो है क्या होता है कि जो है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बाकी जो है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब का नहीं करती है, ये सब सदन ही करता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर सदन का ही व्यक्ति होता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त किए। अब प्रोटेम स्पीकर का दो काम, एक काम होता है सबको जो है ओथ करवाना, शपथ दिलवाना, जितना भी लोकसभा का सदस्य है सबको जो है वो शपथ करवाएगा, और दूसरा काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का चयन करवाना, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव करवाता है वो, और जब लोकसभा अध्यक्ष जब चुन के आ जाते हैं तो उनको जो है कुर्सी सौंप दिया जाता है, और उसके बाद चले जाते हैं, उनके बाद उनका काम खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, सांसद के रूप में काम करेंगे, या सांसद हैं या फिर कोई कमेटी वगैरह में, तब ना काम करते रहेगा, समझ में, या नहीं है तो फिर वो कोई काम नहीं करेंगे, बाहर रहेंगे। वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है किसको चुन के, किसको चयन करें, वो किसको स्पीकर बनाए, लेकिन वो राष्ट्रपति जो है सरकार के सलाह पे ही करती है, अपने से नहीं, ठीक है। यही प्रोटेम स्पीकर का कहानी था, क्लियर, समझ में। क्या करना, ब्रेक लेना है कि नहीं लेना है, लंच हो गया सबका, नहीं हुआ है तो कर लो लंच, फिर बोलोगे कि जो है लंच नहीं किया, कर लो फिर इसके बाद जो हम लोग को, उसको बंद कर दो ना।